सुप्रसिद्ध कवि और अगवानपुर शुगर मिल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी कैप्टन नरेंद्र कुमार ने चीन की नापाक हरकतों और पूर्वी लद्दाख की गलवन घाटी में भारतीय सैनिकों पर किए गए कायराना हमले पर वीर रस में एक नई कविता कही है। वो इससे पूर्व भी इस गंभीर विषय पर अपनी भावनाएं प्रकट कर चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है देशभक्ति से ओतप्रोत रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र कुमार की रचना। खून खोल रहा मेरा, भड़क रहे हैं डोले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोलें। चीन को सबक सिखाने को कमर है हमने कस ली, अब दुनिया को पता चलेगा शेर कौन है असली। नहीं रहम करेंगे चीन पर, चाहे कितना रोले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोलें। नकली अंडा, नकली चावल, नकली दूध बनाता है, अब देख हिंद का असली घी तुझे कैसे सबक सिखाता है। आग लगा देंगे चीन में, भड़क चुके हैं शोले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोलें। एक-एक सौ को मारेगा, ये हिंद का नारा है, उसका भी मुंह तोड़ देंगे जो देता तुझे सहारा है। उसकी खाट खड़ी कर देंगे जो कम है हमको तोले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोलें। बहुत बड़ी तूने गलती कर दी, सोता शेर जगाया है, धोखे से तूने करके वार, तू खुद कायर कहलाया है, तेरे पीछे पड़ गए शेर, अब तू आगे आगे होले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोले। ध्यान से सुन ले आज चीन, कैप्टन नरेंद्र की बोली, यमराज नजर आएंगी तुझको, शक्लें थी जो भोली, पीछे कदम नहीं हटने वाले, बरसा ले चाहे गोले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोले। खून खोल रहा मेरा, भड़क रहे मेरे डोले, इंतजार में बैठा हूं मैं, कब मोदी जी बोले। जय हिंद।